हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चीड़ गुड़ की ये पापड़ी। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ये तिल लिया है और उसे थोड़ा कम गुड़ और ये 1 टेबलस्पून घी। तो तिल को आपको भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। आपको मीडियम फ्लेम पे आपको तिल को भून लेना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं तिल को। एक कढ़ाई में घी डाल देना है और इसको ऐसे स्प्रेड कर लेना है और इसमें अब ये गुड़ डाल देंगे। गैस की फ्लेम को आपको लो पे रखना है और अभी गुड़ को आपको अच्छे से पकाना है। गैस की फ्लेम को आपको लो पे ही रखना है, तभी गुड़ अच्छे से पकेगा। तो ये देखिए, इस स्टेज पे गुड़ पिघड़ गया है और ऐसे बबल आ गए हैं। तो इसके बाद आपको अभी गुड़ को 4 से 5 मिनट तक और पकाना है। तो अभी हम लोग इसको और अभी 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी ये 4 से 5 मिनट के बाद अभी ये अच्छे से पक गया है। अभी इसमें हम लोग ये तिल डाल देंगे। अभी अच्छे से तिल और गुड़ को आपको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है। तो अभी गैस की फ्लेम को आपको बंद कर देना है और इसको हम लोग ऐसे हिलाते रहेंगे। इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देना है। तो यहाँ पे हम लोग ये घी लगा लेंगे, बेलन पे भी घी लगा के लेना है आपको, ताकि ये चिपके ना। और इसका भी ये देखिए थोड़ा गाढ़ा बन गया है ये, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना आपको, नहीं तो ये फिर आप इसको बेल नहीं सकोगे। और अभी हम लोग हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरह से और इसको ऐसे गोल गोल ऐसे बना लेंगे। तो शुरुआत में आपको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, कड़क होने लगेगा, तब फिर आपको इसको थोड़ा सा बेलने में तकलीफ होगी, तो आपको फिर थोड़ा दबा के बेलना है इसको। तो बेलने के बाद तुरंत ही आपको इसको कट कर लेना है, ठंडा होने नहीं देना है। अगर ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको कट नहीं कर पाओगे। जैसे मेरा भी अभी कैमरा सेट करते करते थोड़ा ठंडा हो गया है, पर फिर भी हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे, वो हो जाता है फिर। पर अगर पूरी तरह से ठंडा हो गया तो फिर आप इसको कट नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए, हम लोगों ने जहाँ से कट मारे हैं वहाँ से हल्के हाथ से ऐसे इसको ब्रेक कर लेंगे। एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो, एकदम पतला है। और ये देखिए, ये कितना क्रिस्पी बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।